Hello, dear children. Today we will do Unit five poem Zoo manners in our reader textbook dear children, a very very happy good morning to everyone, dear children, today in our marigold English textbook, we are going to start a new unit. That is your unit five. All of you will open your textbooks on page number 72. Unit five, there's a small little poem that is Zoo Manners. But before we start our work, everybody will write today's date 25 8 2021, and you will write here classwork. यूनिट फाइव जू टे अबाउट द जू दैट वी विजिट हम लोग सब जू में एनिमल्स को देखने जाते हैं तो उन एनिमल्स के जू के एनिमल्स के ऊपर ये छोटी सी प्यारी सी पोयम है जू में हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखते हैं जैसे जीबरा होता है जिराफ होता है मंकी है कैमल है एलिफेंट है अलग अलग तरह के बर्ड्स होते हैं ऑस्ट्रिच है ईमू है वि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डक्स होते हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं बर्ड्स होते हैं स्नेक्स देखे हुए हैं पिकॉक देखते हैं ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को देखते हैं लेकिन जब हम उनको देखने जाते हैं उनको देखकर हम तो खुश होते हैं लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं हम उनको परेशान करते हैं कुछ ऐसा खाने के लिए डाल देते हैं जो उनको नहीं उनके लिए ठीक नहीं होता है तो हम इस तरीके से एनिमल्स को परेशान भी करते हैं तो जब हम हमेशा जू में जाए जू को विजिट करें तो हमेशा कुछ चीज़ों का ध्यान रखें क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स और अगर हम कोई भी ऐसा बिहेवियर करते हैं तो उससे उनको भी परेशानी होती है दे ऑल्सो गेट हर्ट अगर हमारे साथ कोई बुरी तरीके से व्यवहार करता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है तो वैसे ही अगर हम एनिमल्स के साथ भी बुरा बिहेव करेंगे तो उनको भी बुरा लगेगा विल स्टार्ट फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड दिस पोएम जू मैनर्स बी केयरफुल you यू से डू when यू विजिट द एनिमल्स एट द zoo. डोंट मेक फन ऑफ द camel's hump. ही इज वेरी प्राउड ऑफ his नोबल bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he's as wise as you and me. And the penguins, strutting around the lake, can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. This is the poem which is written by Aline Mathias. Now I will start the explanation part of this poem Zoo manners. क्या कहते हैं? Be careful what you say or do. आप जब भी आ जाते हैं जू में जाते हैं तो वहाँ पे आप अलग अलग इस तरीके से एनिमल्स को देखते हैं तो आप जब वहाँ जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें केयरफुल रहिए आप क्या बोलते हैं और क्या करते हैं द दैन यू विजिट द एनिमल्स एट द ज़ू जब आप जू में एनिमल्स को देखने जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं और क्या करते हैं इसके लिए आप बहुत ध्यान रखिए डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम आपने देखा होगा कि कैमल का एक जो होता है बैक में ये हम्प होता है यहाँ पर उसका वाटर स्टोर होता है तो ये जो है सब लोग कैमल के इस हम्प का बहुत मसाक उड़ाते हैं तो हमको कैमल के हम्प का मसाक नहीं उड़ाना चाहिए बिकॉज ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ इस नोबल बम्प क्योंकि वो बहुत गर्व करता है अपने इस बम्प पे कैमल के लिए बम्प क्यों होता है क्योंकि कैमल यहाँ पर जो है वाटर स्टोर कर सकता है और आपको पता है कैमल हमेशा डेजर्ट में ही रह मिलता है इट इज कॉल्ड एज द शिप ऑफ द डेजर्ट तो डेजर्ट में पानी कम होता है इसलिए कैमल कैन स्टोर वाटर फॉर फ्यू डेज एंड ही कैन सर्वाइव विदाउट वाटर इसलिए कैमल जो अपने हम में है सारा वाटर स्टोर करता है डोंट लाफ टू मच एट द चिम्पेंसी चिमपैन्सी इज अ टाइप ऑफ मंकी ओनली तो जब हम बंदर को देखते हैं या मंकी को देखते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं या हंसते हैं तो कभी ऐसा चिमपैनसी को देखकर नहीं करना चाहिए ही थिंग्स ही इज एज वाइज एज यू एंड मी क्योंकि चिमपैनसी जो होता है बहुत ही होशियार होता है तो उसको भी ऐसा लगता है कि जैसे आप होशियार हैं वैसे मैं भी उतना ही होशियार हूँ नाउ नेक्स्ट पेज एंड द पेनस स्ट्रूटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक और जो लेक के आस पास जो पेन क्विंस वहाँ पर घूम रहे होते हैं जू में जो लेक होता है उसके आसपास जो पेन क्विंस घूम रहे होते हैं वो जो है ध्यान से सब समझ रही होती हैं कि आप क्या क्या रिमार्क्स उनके बारे में बना रहे हैं या उनको आप क्या कह रहे हैं या आपस में उनके बारे में आप क्या बातें कर रहे हैं इसलिए पेनक्विंस भी ये सारी चीज़ें समझती हैं स्ट्रूटिंग अराउंड द लेक मीन्स लेक के आसपास जो है वो बड़े एरोगेंटली या स्टिफली जो है वो घूमती हैं एकदम और एकदम प्राउडली जो वो घूमती हैं और सुनती हैं ध्यान से कि आप क्या रिमार्क्स उनके बारे में कह रहे हैं या क्या बातें उनके बारे में कर रहे हैं ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द सू अगर हम उनको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे वो हमको ट्रीट करते हैं हमको वो कैसे ट्रीट करते हैं जब हम हम उनको देखते हैं तो हमारी तरफ हंसते हैं और हम उनको देख खुश होते हैं वैसे ही अगर हम भी उनको देख खुश होंगे और अच्छे से बिहेव करेंगे वो कभी हमको परेशान नहीं करते कभी हम पर पत्थर नहीं फेंकते या कभी कुछ खाने की ऐसी चीज़ें नहीं फेंकते तो अगर हम भी उनके उनके अगर हमको साथ चाहिए अगर हमको उनको देखना है तो अगर हम उनके जैसे ही बिहेव करेंगे दैट मीन्स इफ़ वी विल बिहेव प्रॉपरली विद डेम उनको किसी तरह से परेशान नहीं करेंगे पत्थर नहीं फेंकेंगे उनको हर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग ज़ू में हमेशा वेलकम हैं वो भी हमको देख कर खुश होंगे और हम भी उनको देख कर खुश होंगे सो डियर चिल्ड्रन दिस इज अ लवली लिटिल जू मैनर्स रिटर्न बाय एलिन मतायस ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि जानना क्योंकि जब भी हम लोग जू में जाते हैं तो नॉर्मली सब लोग ऐसा करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उसको सब परेशान करते हैं कोई पत्थर फेंकता है कोई उनको बुलाता है कोई चिल्ला के डराता है हम तरह तरह की हरकतें ऐसी करते हैं जिससे कि एनिमल्स को डर लगता है तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए आफ्टर ऑल लिविंग बींग है वो भी जैसे हमको बुरा लगता है हमको चोट लगती है हमको दर्द होता है वैसे उनको भी होता है तो हमेशा उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए वी शुड बिहेव प्रॉपरली

D-U-M-P, dump, bump, hump, and dump. These are all rhyming words. C -R -O -W -D, C-R-O-W-D, crowd. C-R-O-W, crow. C-L-O-W-D, cloud. C -L -A -W, C-L-A-W, claw. -E, N-O-I-S-E, noise. P-R-I-Z-D, price. And S-I-Z-D, size. So, noise, price, and size. Rhyming word. देन पी आई ई एस पाइज एंड एफ एल आई ई एस फ्लाइज तो ये भी दोनों क्या हुए राइमिंग वर्ड्स हुए क्लाउड एंड क्लो नहीं हुआ क्रो एंड क्राउड भी नहीं हुआ नाउ लेट्स सिंग एंड एक्ट यहाँ पर जो है छोटी सी एक एलिफेंट की पोएम है ये हम लोगों ने पहले नर्सरी इट्स अर्सरी रॉयम लेट्स सिंग एंड एक्ट ये एलिफेंट के ऊपर एक पूरी प्यारी सी एक पोएम है और सो में हमेशा एलिफेंट तो होता ही है जो सबसे ज़्यादा सबको प्यारा होता है और स्पेशली जब अपनी सूंड में पानी भर के जब उड़ाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट ही इज सो टॉल एंड सो फैट ही हैज नो फिंगर्स ही हैज नो सम समूस ओ माई गुडनेस वॉटर बेक नोस एंड ओ माई गुडनेस वॉटर बेक नोस तो छोटी सी पोएम है एलिफेंट के ऊपर नाउ मेक सेंटेंसिस यूजिंग दिस एंड दैट हमको यहाँ पर सेंटेंस लिखने हैं दिस और दैट से शुरू होते हुए दिस इज माई बुक दैट इज माई सिस्टर्स बुक आई लाइक दिस टॉय आई डोंट लाइक दैट टॉय आ डॉग बास लाइक दिस बाव बाव आप उसमें और भी लिख सकते हैं दिस इज़ माई रूम दैट इज़ माई सिस्टर्स रूम दैट इज़ माई क्लास दिस इज़ माई सिस्टर्स क्लास और माई ब्रदर्स क्लास ऐसे कुछ भी सेंटेंसेस आप और लिख सकते हैं टू पेज नंबर सेवेंटी सिक्स यहाँ पर ब्लैंक्स दिए हुए हैं विजिट टू माई विलेज नाव इन दिस विजिट टू माई विलेज यू हैव टू कम्प्लीट दिस होल पैराग्राफ्ट जो ये पूरा दिया हुआ है फॉर्म में है एंड दर्ड्स आर किर फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एच ओ आर एस सी एस हॉर्सेस एच ए वाई हे वी आई डबल एल ए जी ई विज P O N D pond, C A T cat, G R A N D grand, M O T H E R mother, D O G S dogs, C O W cow, M I L K milk, C O C K cock, K I W T E N S kittens, and H E, -H -E N hen. Now, all these words we have to use to complete this whole paragraph. अबाउट माई विलेज अ विजिट टू अ village. विलेज village. Village का मतलब क्या होता है गाँव एक गाँव में अगर आप विजिट करने जाते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं गाँव में वो सब लिखना है इन जून वी वेंट टू अ विलेज जून में हम कहाँ गए थे विलेज में गए थे वेयर माई ग्रैंड मदर लिव्स अब यहाँ पर देखिए आपको पिक्चर्स भी दिखाए हुए हैं तो जो पिक्चर है वो ही वर्ल्ड बैंक में भरना है जैसे यहाँ पर विलेज का पिक्चर दिया है यहाँ विलेज लिखा है या ग्रैंड मदर का पिक्चर दिया हुआ है तो हमको ग्रैंड मदर लिखना है शी हैज फार्म ऑन हर फार्म देर आर मेनी एनिमल्स उनका एक फार्म है और उस फार्म में बहुत सारे एनिमल्स है देर आर टू अब किसका पिक्चर है ये हॉर्सेस का पिक्चर है तो विल राइट यर हॉर्सेस ए दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ कैट सो ए कैट एंड इट्स ये क्या है बिल्ली के बेबीज हैं यंग थ्री यहाँ पे पिक्चर में दिखाई हैन एज वेल एज अ दिस इज द पिक्चर ऑफ अ काक सो ए कॉक एंड अ दिस इज द पिक्चर ऑफ अ का एवरी मॉर्निंग शी फीड्स हर एनिमल्स विथ हे यहाँ पर देखे घास दिखाई हुई है सो दैट सूखी घास विच ऑज कॉल्ड एस हे सूखी घास को हम हे बोलते हैं और मिल्क यहाँ पर मिल्क का पाउच दिखाया हुआ है सो विल राइटर मिल्क द ड्रिंक वाटर फ्रॉम दिस इज द पोंड ऑन द फार्म तो यहाँ पर हम लिखेंगे पोंड तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आप जैसे जैसे पिक्चर्स देख रहे हैं वैसे वैसे आपको प्लैंक्स फिल करने हैं

One hen, as well as a cock and a cow. Every morning she feeds her animals with hay or milk. They drink water from the pond on the farm. Now we move on to page number 77. कॉम्पोजिशन कॉर्नर लुक एट द पिक्चर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है यहाँ पर आपको एक जो है कुछ छोटा सा पैराग्राफ लिखना है लेकिन उसको कैसे लिखना है ये पिक्चर को देख के आपको पैराग्राफ को कंप्लीट करना है यार यू कैन सी सम्लावर्स आ देर लीवस आ देर यू कैन सी दिस हनी बीज आर देर तो यहाँ पर जो है सन फ्लावर है एक छोटा सा और दूसरा पिंक फ्लावर है और बहुत सारे जो है यहाँ पर लीव है ये रोज का फ्लावर है और बीस दिखाई गई है और कुछ हमको ज्यादा नहीं दिखाया गया है नाव यहाँ पर जो है, है, है वर्ड दिए हुए हैं एल आई एन ई एस लाइन्स एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस फ्लावर्स बी यू डब्ल जेड ई डी बस्ट टी डब्ल्यू ओ टू बी डब्ल बी एंड बी यू डबल जेड ई डी बस्ट नाव वी विल फिल द ब्लैंक्स दिस इज ये क्या है ये बी है इट हैज लाइन्स ऑन इट्स उसके विंग्स पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो लाइन्स है दो विंग्स पर इट हैज टू एंटीनास ये जो है ये उसके एंटीनास है ये जो है बीस के एंटीनास कहलाते हैं इट बसेस अराउंड द किसके आस पास घूमती है फ्लावर्स तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लावर्स इट बस्ट एंड बस्ट एंड केम टू द जू और ऐसे ही घूमते घूमते फ्लावर्स पे आवाज करते करते जो है वो जू तक आ गए सो दिस इज अट हैज लाइन्स ऑन इट्स विंग्स इट हैज टू एंटेनास इट बज इज अराउंड फ्लावर्स इट बस्ट एंड बस्ट एंड केम टू द जू नाउ लेट्स टू हेल्प द बी टू रीच इट्स होम वॉट आर द थिंग्स इट मेट्स ऑन द वे द टम्स विद द बी तो यहाँ पर जो रास्ते में जो जो चीज़ें बी को मिलती है हमको बी को कहाँ पहुँचाना है बी को उसके घर तक पहुँचाना है ये बी है और उसका घर कहाँ है दिस इज द हाइव विच इज़ द होम ऑफ द बी ये जो ये है ये जो बी हाइव है ये उसका घर है और रास्ते में देखिए उसको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे पी है ट्री है की है टी है और ये गर्ल है ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं लेकिन हमको वो सारी चीज़ें लिखनी है जो बी के साथ राइम होती हैं तो यहाँ पर देखिए हमने बी डबल ई बी लिखा हुआ है अब जो बी लिखा है तो उसके बाद यहाँ से हम जो है उसके लिए रास्ता बनाएंगे यहाँ से ऐसे पूरा घूमते हुए ये पूरा राउंड लाइक दिस एंड देन इट विल रीच अप टू दिस हाइव अब जो राइमिंग वर्ड्स हैं कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं राइमिंग वर्ड्स में बी पी ट्री की एंड टी तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो राइमिंग वर्ड्स हैं पी ट्री की एंड टी दीज आर ऑल द राइमिंग वर्ड्स ये सारे वर्ड जो हैं बी के साथ राइम करते हैं क्योंकि लास्ट साउंड देखिए ई बी पी ट्री की एंड टी तो सब में लास्ट साउंड जो है वो ई e का आता है सो दे आर द राइमिंग वर्ड्स गोविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज विच इज योअर पेज नंबर सेवेंटी एट लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैक्स अब हम यहाँ पे पिक्चर देखेंगे यहाँ पर देखिए कुछ एनिमल्स के पिक्चर दिए हुए हैं जैसे लायन है ये वुल्फ है चकॉल है चिपाजी है फिर जीराफ है ये जिराफ का पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है देन दिस इज योर बियर आउल डियर का पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है ये बियर का पिक्चर है और ये जो है वो टाइगर का पिक्चर है तो पिक्चर देखकर हमको यहाँ पे जो है ब्लैंक्स लिखनी है जैसे एल से लायन है तो एल आई ओ एन लायन दिस इज वुल्फ डब्ल्यू ओ एल एफ वुल्फ ये जेकोल जे ए सी के ए एल जेकॉल दिस इज द पिक्चर ऑफ अ मंकी एम ओ एन

दस इज ओ डब्ल्यू एल आउल जो रात को ही उड़ता है और रात को ही दिखता है नेम है अब लेट्स एनिमल्स मेक साउंड ऑफ एनिमल्स जिसको हम बोलते हैं वो है रोर लाइक अ लायन नी लाइक अ हॉर्स क्वैक लाइक अ डक ब्लीट लाइक अ गोट ग्रंट लाइक अ पिक दीज आर ऑल द साउंड ऑफ द एनिमल्स That we have all studied in the lower classes also. Bark like a dog, moo like a cow, chirp like a sparrow, chatter like a monkey, and hiss like a snake. So, the sounds of so many different animals are given here. Then, last one is join the dots, complete the name of the animal. यहाँ पे जो है पूरा डॉटेड दिया हुआ है इसको हम ज्वाइन करेंगे और उसके बाद आप इसमें कलर नहीं दिया हुआ है लेकिन आप इसको कलर भी करेंगे दिस इज द पिक्चर ऑफ अ यस यू हैव सेड इट राइट इट इज अ पिक्चर ऑफ अ डायनासोर डी आई ए एन ओ एस ए आर एस ए यू आर डायनासोर सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ डाइनासोर दिस नो दिस एनिमल्स नो मोर ऑन द अर्थ लेकिन आप इसको ड्राॅइन करने के बाद जो है डॉटेड लाइन्स कंप्लीट करने के बाद आप इसको अच्छे से जो है लाइट लाइट ब्राउन कलर से इसको कलर करेंगे या गैम्बोज चेलो कलर से इसको कलर करेंगे अब हम पेज नंबर सेवेंटी नाइन पर आते हैं पेज नंबर सेवेंटी नाइन में जो है वर्ड्स की प्रैक्टिस ही करनी है तो सोज द करसिव राइटिंग दैट यू हैव टू डू ओ डब्ल्यू एन ओ सी ओ एम ई कम एच ओ यू एस हाउस सी एल ओ यू डी क्लाउड एल यू सी के वाई लकी एंड एफ यू डबल एंड वाई फनी तो ये सारे वर्ड्स जो है आपको यहाँ पर ऑलरेडी डॉटेड में दिए हुए हैं यू सिंपली हैव टू ट्रेस दिस सो डियर चिल्ड्रन अप टू पेज नंबर सेवेंटी नाइन यू हैव टू कम्प्लीट इन द टेक्सट बुक ये सारी चीजें जो है आपको टेक्स्ट बुक में इस बार कंप्लीट करनी है क्वेश्चन आंसर्स एंड हार्ड वर्ड्स वी विल भी डूइंग ऑन द नेक्स्ट टर्न सो कम्प्लीट एवरी थिंग ऑल द पेजेस दैट आई एक्सप्लेन यू इन द टेक्सट बुक दिस टाइम आई होप यू ऑल हैव इंजॉयड एंड लव दोयम जू मैनर्स और आप भी ध्यान रखेंगे जब आप जू में जाएंगे तो कि यू डोंट हर्ट द एनिमल्स या उनको परेशान ना करें सो डियर चिल्ड्रेन टिल वी मीट ऑन द नेक्स्ट टर्न बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे